हेलो हेलो चेक हेलो चेक, हैप्पी महापर्व फुटबॉल वर्ल्ड कप आप सबों को और नया वीडियो पे स्वागत करते हैं दोस्तों। चलो चलते हैं आज हम लोग गोकुलपुर पाकुड़, उससे पहले नहा लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। हाँ जी हेलो दोस्तों, अब पहुँच गए हैं पाकुड़। ये पाकुड़ दुमका मेन रोड है, इधर जाओगे तो महेशपुर पाकुड़िया दुमका, फिर इधर से हिरणपुर लिट्टीपुड़ा दुमका। मेन रोड पे ये गेट लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पुर्तगाल कैप्टन रोनाल्डो है, उधर हमारे भारतीय कैप्टन सुनील छेत्री है और यहाँ पर 3 दिवसीय फुटबॉल चैंपियनशिप होना है। ऊपर लिखा हुआ है एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप चांद भैरव क्लब गोकुलपुर 25-26-27, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और यहाँ पर भी दिन में आप लोगों को मैच देखने को मौका मिलेगा और एक से एक बेहतरीन टीम आया है। और आइए भाई, इस साइड मेरा फेवरेट प्लेयर है, इधर मेरा फेवरेट प्लेयर आप लोगों को दिखाते हैं। और जब से मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, मेरा बहुत ही पसंदीदा फेवरेट फुटबॉलर भाई कौन यार फाड़ दिया चलिए हम लोग जानते हैं, अंदर घुसेंगे, ग्राउंड का तैयारी कैसे चल रहा है, कमिटी में कितना उत्साह है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बहुत जल्द टूर्नामेंट शुरू होना है। और उधर मेरे दोस्त है मेरे साथ, कैमरामैन सोनू है, जाएंगे ग्राउंड तरफ, फिर आप लोगों को वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो चलिए ग्राउंड तरफ। हम लोग उत्साह के साथ मैच का तैयारी कर रहे हैं और यहाँ की कमिटी हम लोग के लिए अच्छा से एकदम साफ सपड़ा दो को डिमो जा रहा है। मेरे साथ है इधर डैनी सोकर ब्लॉग, इधर प्रेम है, उधर से आ रहा है एसपी ब्लॉगर, सारे लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ का वीडियो बढ़िया से बनाए, बढ़िया से आप लोगों को दिखाए। हर हमेशा हम लोग का 100% कोशिश रहता है, बट वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम, बैटरी प्रॉब्लम और मोबाइल में बार बार दबाना थोड़ा दिक्कत लगता है। तो दोस्तों आते आते यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये गोकुलपुर का मेन गेट है। अगर थोड़ा 2-3 कदम जाइएगा आप लोग आगे तो ग्राउंड है और ग्राउंड भी दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ मिस्त्री लोग हैं और पूछते हैं ये लोग कब से काम कर रहे हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है, सारा चीज। आपका भैया नाम अजहर हुसैन। अजहर, अजहर जी तो कब से काम कर रहे हैं आप लोग? लगभग 12-13 दिन से। 12-13 दिन से आप लोग गेट का काम करते हैं क्या? टोटल यहाँ पे गैलरी बना है ना, गैलरी का बहुत ही स्टेज बन रहा है, स्टेज बन रहा है, गेट बन रहा है, तो दिन रात एकदम पूरा दिन भर काम करते हैं। खाली दिन में, रात को नहीं, सिर्फ दिन में काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। दोस्तों देखिए, फुटबॉल प्रेमी के लिए ये अच्छा खबर है, यहाँ पे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, गैलरी भी बन रहा है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, रन्नागा फतेहपुर। फतेहपुर 2 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग यहीं पे रहते हैं कि आते हैं? हर रोज काम करते हैं, निकल जाते हैं। और ये काम जो कर रहे हैं हम लोग, ये टोटल मेरा टेंड है, भाई साउंड एंड डेकोरेटर। दोस्तों आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है आगे हम लोग फिर देखते हैं स्टेज वगैरह कैसे कैसे तैयारी है ग्राउंड का। ठीक है ठीक है, एक बार हाथ मिला। ठीक है दोस्तों, अभी आगे आगे का दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को, उधर स्टेज भी बन रहा है, ग्राउंड है, ग्राउंड नजदीक से देखेंगे। तो चले ग्राउंड की ओर, आप लोगों को बताना है, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों। देखिए इस मैदान के आसपास पैखाना करना सख्त मना है, आप लोग धो सकते हैं उधर में लेटरिंग करके, ठीक है, इधर में पैखाना मना है भाई। 3 दिन का टूर्नामेंट होगा, तकरीबन यहाँ पे लाखों आदमी आएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए इधर लेटरिंग नहीं करना है। ठीक है, और लेटरिंग करके आइएगा दूर से, तो पानी है आप लोगों को दिखा देते हैं, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होने वाला है। और अभी ग्राउंड में घुसे हैं, ग्राउंड दिखाएंगे, गैलरी भी दिखाएंगे, इधर मेन स्टेज है, शायद इधर लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा और यहाँ पे थोड़ा ऊपर है तो इसलिए मेन गेट मेन स्टेज के लिए अच्छा जगह है। पूरा तैयारी हो चुका है भाई, और गैलरी हमको लगता है अब ज़्यादा नहीं बनेगा, जो बन गया है देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जाके नज़दीक से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं स्टॉप, और यहाँ पहुँच गए हैं, देखिए आप लोग गैलरी, गैलरी बन गया है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं तख्ता लगाना बाकी है, गैलरी रेडी हो गया, पूरा मजबूत है यार, जितने भी लोग चढ़ो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गैलरी है, बहुत ही अच्छा जगह है। उधर बाहर तरफ आप टॉयलेट लेटरिंग जो हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन पोखरा के किनारे आसपास नहीं। ठीक है यार, तो चले आगे दिखाते हैं आप लोगों को, आइए दोस्त, थोड़ा कैमरामैन सानू इधर आइए। और ये देख रहे हैं एक से एक बढ़कर है यार, हमको लगता है ये एक तख्ता में तो 2 आदमी भी अगर एडजस्ट करके बैठेगा तो भी हो सकता है, बट अगर नहीं भी बैठोगे तो चलेगा, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है पाकुड़ में, एकदम धांसू जगह, अच्छा है, ग्राउंड भी नया है,
पूरा इससे पहले तो बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ है, छोटा मोटा टूर्नामेंट हुआ है बट मिट्टी उट्टी लगा के ग्राउंड को प्लान किया गया है। अब देखते हैं कैसे ग्राउंड यहाँ से लेकर कोना तक देख सकते हैं आपको पूरा। अब अभी काम चल रहा है, पता नहीं और कितना ऊपर बनेगा क्लियर, तो थोड़ा सा ग्राउंड दिखाते हैं। ये दोस्तों ग्राउंड ये 2-3 महीना पहले से चल रहा है तैयारी ग्राउंड का, देख सकते हैं इधर नीचे दिखाओ, नया मिट्टी है और घास फूस थोड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है ज़्यादा नहीं बट फिर भी बढ़िया है मेरे हिसाब से, नया के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। थोड़ा भीतर चलते हैं हम लोग, पोस्ट है गोल पोस्ट, रिंग रोम हुई ना, रिंग रोम हुई ना एकदम तगड़ा गिंजल ना, चकाचक नेट लगा लगे अभी बेस्ट को लगा होगा गोल पोस्ट। तैयारी तो पूरा जोरदार से चला गया, पूरा रसके नुंडन को आले हों पूरा दर्शक और अदर स्टेट कोई को हजू कहते ज़्यादातर वीडियोस हिंदी लैंग्वेज तीन बनाता और इन खोजना पसे आपे पे बढ़ाई गया हिंदी थोड़ा बहुत पे बुझे गया, सांताली हिंदी दोनों मिक्स चला गया, दिक्कत आलोपे इको और इको ही खोजा अगर जहाँ दिक्कत पे इको घर में उतना तैयारी नहीं करते जितना ये फुटबॉल ग्राउंड का तैयारी कर रहा है। तो चलिए वो साइड जाएंगे हम लोग, वो साइड उधर आम बागान तरफ, ये आम बागान के किनारे ही एक ग्राउंड है, अगर किसी को आने जाने में दिक्कत होगा तब लोगों को बता दे, मालदा से डायरेक्ट ट्रेन है, हावड़ा कोलकाता कहीं से भी ये पाकुड़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन है भाई। आप लोग वेयर इज माई ट्रेन में मोबाइल पे सर्च कीजिए अगर आप आना चाहते हैं पाकुड़, अगर आप मैच देखना चाहते हैं, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। आप लोग तैयारी तो नौ पे नल दिया फील्ड में चारों तरफ चला जोर शोर से और नौ बो ना 23 तारीख गान भित्री ते कम्प्लीट आलिया तैयारी तो और चारों तरफ नौ स्टेज पे नल दिन नित कम्प्लीट करना और साथ गेट को जो नुक मिस्त्री लगावा मे और ग्लैरी को पेल तबना कम्प्लीट करना जो चारों तरफ स्टेज सामने एक नम्बर स्टेज हुई एक नम्बर स्टेज मोटामोटी कमिटी और अतिथि को तहना और दो नम्बर स्टेज जे अकोई को आलेले नेवता अका को उनाटारे हों को तहना और रेफरी हों उन्डे को तहना और नवा 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 तीन नंबर स्टेज कना नवा रहो आलेरे अकोई को मौज मौज गेस्ट ले नेवता अका को उनको को बुखाते ले बनाया करा और साथे चारों तरफ कुर्सी तहना पब्लिक को लगी अपया सुविधा लगी और साथे ग्लेरी में तो ग्लेरी कुर्सी अपेया उपाटा एकदम कुर्सी रे दुडू पेमेंट का कुर्सी रहो युवा ग्लेरी रहो युग या अपेया तंगी मिना जे अपे मा सपड़ा तबुम पे आर नोय हजू कान 25 तारीख हजूर ना क्रूम पे तबुम पे चिता जे नोने ना टूर्नामेंट तो पे दिन हुई हो लगी आर नोआ टंडर दो पसे निया दम दो फर्स्ट कान तलिया दो फिर भी आलिया तैयारी चलका हुई करना नौ आपे के है कते नेल दी तुम पे और साव सावते नुको यूट्यूबर बाबू तक मना को तिना नुको हो लाइक तुम पे और सब्सक्राइब तक पे तो गाते को सब्सक्राइब पे लाइक पे कमेंट पे शेयर पे पूरो और सेटर पे अबो नुको लास है बढ़ा रना क्रम पे तुम पे जेमन अबो तिना संताल समाज ना सही न्यूज बू नाम दड़िया नुको होते ते मां सपोर्ट को तबुम पे जो हर तो गाते को अडी अडी सराहाओ आर नितो नोय ग्राउंड लहे कना ग्राउंड बने उका लहा नेलदा घास बांग ताकना नितो अडी कुरुमुटु तिना मेहनत लगा कना घास जनाम रे बडा गया पे आर पुटुर जगह रे घास अगुई तो अडी मुश्किल गया ना अडी मेहनत कदा को आर चारो ओर नितो तो हुई कना 50% कमी तो कंप्लीट कना तो आर 50% बाकी मिना जैसे मिना इन बाद लास्ट उका हुई वो फाइनल सजा सपड़ा फिर से एकदम 23 तारीख ते आर हो अपे उदू पे कंप्लीट चलका ओका कुरे ओका कुरन खिलाड़ी को जो पूरा एकदम ए टू जेड न्यूज़ जो तो ये मारता है ठीक है। दिल की धड़कन से तेरा